भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी को मुतनाज शहरियत कानून के बाद पहला इंतखाबी झटका लग गया। बीजेपी अपने मजबूत गढ़ झारखंड के इंतखाबात में ही हार गई। कांग्रेस और रियासती जमात के तहत ने मैदान मार लिया है। मुस्लिम मुखालिफ मुतनाज़े बिल की मंजूरी के बाद से मोदी सरकार की खुद साख्ता मकबूलियत औंधे मुआन गिरी। जिसका पहला मुजाहरा गली गली होता एहतजाज है, तो वहीं रियासत झारखंड में होने वाले इंतखाबात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। रियासत झारखंड की असेंबली के लिए होने वाले इंतखाबात में 81 में से 30 नशस्तें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हासिल कर ली है, जबकि हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकी। कांग्रेस के 16 उम्मीदवारों ने इंतखाबी मार्का अपने नाम किया है। जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाया। इस तरह इत्तेहाद की मजमू नशस्तों की तादाद 47 हो गई, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 41 सरकार की हिमायत हासिल होना जरूरी होता है। हुक्मरान जमात को शिकस्त फाश के बाद वजीर आला रघुवर दास ने गवर्नर द्रौपदी को इस्तीफा पेश कर दिया, ताकि नई हुकूमत की तश्कील तक वही काम करते रहेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में मोदी की जमात को इस रियासत से सादा अक्सरियत हासिल हुई थी और इसने 5 साल बिला शिरकत गैर झारखंड में हुकूमत की। तहम बुरी कारकर्दगी और मुतअज़िबाना पॉलिसियों के बायस बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ से शिकस्त की हज़ीमत उठाना पड़ी और बीजेपी के वजीर आला भी अपनी नशस्त नहीं बचा सके। इससे कबल छत्तीसगढ़ के आवाम ने कांग्रेस को जीत दिलाई थी और इस बार वही रुझान झारखंड में नजर आया है, जबकि झारखंड की हार के बाद 1 साल में ही बीजेपी की 5वीं रियासत में शिकस्त होगी।